सैमसंग की एम सीरीज हमेशा से ही इंडिया में काफ़ी पॉपुलर रही है, तो आज मैं आपको एक बहुत अच्छा अपडेट देती हूँ। सैमसंग अपनी एम सीरीज का एक नया स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करने वाली है, जिसका नाम होगा सैमसंग गैलेक्सी M35। सो लॉन्च से पहले सैमसंग ने फाइनली इस फोन का टीजर रोल आउट कर दिया है और ये फ़ोन इंडिया में 17 जुलाई को ऑफिशियली लॉन्च होने वाला है। सो सभी सैमसंग लवर्स के लिए बहुत अच्छा अपडेट है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सैमसंग गैलेक्सी M35 में क्या क्या नया मिलेगा इस बार। सबसे पहले इसके डिस्प्ले की बात करते हैं, तो सैमसंग M35 में इस बार 6.6 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलने वाला है और ये होगा एक SAMOLED डिस्प्ले, जो AMOLED डिस्प्ले के मुकाबले आपको बेटर और हाई पिक्चर क्वालिटी ऑफर करता है। इसमें अच्छा रिजोल्यूशन मिलता है और बेस्ट पार्ट है, सैमसंग हमेशा अपने M सीरीज के फ़ोन के डिस्प्ले फीचर्स पर बहुत फोकस करती है, डिज़ाइन पर भी बहुत फोकस करती है, तो डिज़ाइन तो आप देख ही सकते हैं। साथ ही इसमें डिस्प्ले में 120 हर्ट्ज़ का हाई रिफ्रेश रेट मिलेगा, 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी जाएगी और साथ ही ये जो डिस्प्ले है ये इन्फिनिटी ओ डिज़ाइन के साथ आएगा। इसमें पंच होल सेटअप है फ्रंट में और ये डिस्प्ले कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस से प्रोटेक्टेड है, तो आपको ये डर नहीं रहेगा कि यार फ़ोन जो है टूट ना जाए गिरने से। बहुत ड्यूरेबल बनाया है सैमसंग ने इस बार का डिस्प्ले। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, वो है सैमसंग M35 का प्रोसेसर। तो उसमें मिलेगा लेटेस्ट सैमसंग का एक सोनिस 1380 प्रोसेसर, फास्ट परफॉर्मेंस मिलने वाली है, गेमिंग के लिए बहुत अच्छा होगा, बैटरी सेविंग प्रोसेसर होगा और मल्टीटास्कर्स के लिए भी बहुत अमेजिंग होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो है सैमसंग गैलेक्सी M35 के बैटरी फीचर्स। तो इस फ़ोन में मिलने वाली है आपको 6000 mAh की बैटरी, जिसमें 25W का वायर चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। सो बेस्ट पार्ट है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन बैटरी साइज़ बड़ा रखा है और सैमसंग जो अपने 30-40,000 रेंज वाले फ़ोन है ना, उसमें बैटरी साइज़ मेजरली 6000 mAh देती है। सो मैं आपको बताती हूँ सैमसंग M35 के कैमरा फीचर्स के बारे में। तो उसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल सकता है, जिसमें 50MP का एक प्राइमरी सेंसर होगा और 13MP का एक फ्रंट कैमरा मिलेगा। अब इस फ़ोन का एक स्पेशल पॉइंट है कि ये सैमसंग वॉलेट के साथ आएगा, जिसमें आप टैप एंड पे फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आपको बस अपनी जो डिटेल्स हैं वो एक बार रजिस्टर करनी है और बार बार वो जो पिन सेट करना होता है वो नहीं करना है, आप सिंपली बस टैप करेंगे और आपके फ़ोन से पेमेंट हो जाएगा। सो ये सैमसंग वॉलेट बहुत अमेजिंगली काम करता है, तो इस फ़ोन में आपको उसका इनबिल्ट सपोर्ट दिया जाएगा। इसके साथ फ़ोन हीट ना करे, बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए वेपर चैम्बिंग कूलिंग सिस्टम दिया जाएगा इसमें, तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है। आजकल के फ़ोन्स में ज़्यादा डिमांड रहती है क्योंकि फ़ोन्स आजकल हीट ज़्यादा करने लगे हैं, तो ये फ़ीचर आपकी मदद करेगा उस टाइम पर जब आपको लग रहा है कि फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, ओवर चार्ज हो गया है या ज़्यादा यूज़ करने से हीटिंग इशू आ रहा है। और इसी के साथ ये फ़ोन 4 साल तक ब्रांड न्यू रहेगा, क्योंकि कंपनी दे रही है 4 साल तक का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर अपडेट। अभी लेटेस्ट में आपको एंड्रॉयड 14 अपडेट मिलेगा और नेक्स्ट यानी कि 16, 17, 18 तक का सपोर्ट इसमें दिया जाएगा। अब जो नया टीज़र आया है उसके मुताबिक ये देखा गया है कि फ़ोन 3 कलर ऑप्शंस में आ सकता है, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू और एक ग्रे कलर। सो तीनों ही कलर्स बहुत अट्रैक्टिव हैं। तो मैंने आपको सारे फीचर्स बता दिए सैमसंग गैलेक्सी M35 के। आप हमें बताइए कि इस सारी लिस्ट में कौन सा फीचर सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव लगा है, सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि ये फीचर सैमसंग M35 का बेस्ट होने वाला है। तो इस बेस्ट फीचर के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, साथ ही सैमसंग लवर्स के साथ ही वीडियो शेयर करें, उसको लाइक भी करें और इस तरह के लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।